हेलो गाइस, मैं राजकुमार चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज मैं दो घटनाओं का जिक्र करूंगा जो किशनगढ़ में अभी 5 दिन में घटित हुई है। उन घटनाओं का जिक्र करने का मेरा उद्देश्य यह है कि उन घटनाओं को सुनने के बाद, समझने के बाद आप ठगी होने के शिकार से बच सकें। मेरा हमेशा से ही ये उद्देश्य रहा है कि आप लोगों का जितना पैसा सेव हो सके किशनगढ़ में आने के बाद उत्तम में करने की कोशिश करूं। मेरा आप सभी से निवेदन है कि मेरी बात पर फोकस करें, मजाक में ना लें, और जो मैं कहता हूं और जो घटनाएं के बारे में मैं जिक्र करता हूं वो रियलिटी में किशनगढ़ में होती है। कल की बात है, एक बाहर के गोदाम का एक कस्टमर आया, ठीक है। उसके पास एक आर्केटेक आया बाहर के कस्टमर का मतलब आउट ऑफ राजस्थान, अलग स्टेट का था वो, ठीक है। तो आर्किटेक्ट उस गोदाम वाले के पास आया, गोदाम वाला मेरे पास आया, फिर वो एक दूसरे गोदाम वाले के पास गया। जैसे वो मेरे पास आया, उसने मुझसे रेट ले ली कि भाई आप क्या स्क्वायर फीट हमें मटेरियल देखो दोगे। एग्जांपल के लिए मैंने उसको 400 रुपये रेट दी थी कि 400 रुपये पर स्क्वायर फीट मैं आपको ये मटेरियल दे दूंगा। फोटोज़ वगैरह मैंने उनको पहले ऑलरेडी भेज रखी थी क्योंकि वो मुझसे पहले भी मिल चुके थे। सेकेंड टाइम हमारी डीलिंग हो रही थी, फर्स्ट टाइम हमारी कोई डील नहीं हुई थी, मैं आपको सच बता रहा हूँ। सेकेंड टाइम जब हमारी डीलिंग की बात आई तो उन्होंने मुझसे फ़ोटोज़ मांगी, मैंने उनको फ़ोटोज़ दी, मेरी फाइनल रेट दी, ठीक है। तो उनका मेरे पास कॉल आया और उन्होंने मुझे बोला कि आर्किटेक्ट का 200 रुपये कमीशन रखना है, ठीक है। मैंने कहा नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो उनकी पहले से डीलिंग होती थी एक दूसरे गोदाम वाले से जो किशनगढ़ में है, क्योंकि वो उनका बाहर गोदाम है और वहाँ से उनकी डीलिंग पहले भी मटेरियल किसी से या किशनगढ़ से वो उठाते थे, ठीक है। तो वो उस हम मेरे से रेट लेने के बाद, सब कुछ फाइनल करने के बाद, जैसे कि ये चीज़ें फाइनल हो गई है, तो उन्होंने डायरेक्ट कॉन्टेक्ट किया जो जिससे पहले वो मटेरियल ले रहे थे, जिससे अपना वियतनाम वाइट का मटेरियल का काम है, किसी का इंडियन का काम है, तो वो इंडियन का मटेरियल अपने गोदाम पर वहाँ से लोड करते थे। तो वो इंडियन वाले के यहाँ गए और उसको साथ लेकर फिर वो मेरे पास आते हैं माल के बारे में वापस और जानने के लिए, मटेरियल देखने के बारे के लिए। तो पहले अपनी 200 रुपये कमीशन की बात थी, तो वो 250 उन्होंने खुद कर दिए, जो जी जो पार्टी बाहर की थी, मतलब जिनका गोदाम बाहर अदर स्टेट में था, उन्होंने 250 कर दिए कमीशन पर स्क्वायर फीट। उसके बाद 25 रुपये यहाँ के नोकल वाले गोदाम वाले ने उस पर रख लिया, ठीक है। कितने 25 रुपये, तो मुझे कितना कमीशन देना था, 275 रुपये मुझे कमीशन पार्टी को देना था, मतलब सबको मिलाकर, जिसमें आर्किटेक्ट का कमीशन किसने रखा था, बाहर के गोदाम वाले ने जिसका राजस्थान से बाहर गोदाम था, 25 रुपये यहाँ के गोदाम वाले के रह गए। ऐसा इन तीनों का मिलाकर 275 रुपये कमीशन बना, ठीक है। फिर वो पार्टी यहाँ आती है और वो रेटी वगैरह लेती, तो मुझे ऑब्वियसली सीधी सी बात है कि ना 400 वाले के 275 तो वो हो गए, 50-60 रुपये में ऊपर बताऊंगा, क्योंकि बार्गेनिंग भी तो करेगा ना कस्टमर। तो ये चीज़ें ऐसी होती है कि मेरा कहने का मतलब इस बात से यह है कि कोई भी आदमी जो आउट ऑफ स्टेट राजस्थान का है, वो ना तो आर्किटेक्ट की हेल्प ले, ना वहाँ के नोकल गोदाम वाले की हेल्प ले। और अगर कोई गोदाम वाले को मटेरियल चाहिए, अगर किसी गोदाम वाले को कोई ऑर्डर मिला है और वो गोदाम वाला यहाँ वहाँ किशनगढ़ से माल परचेज करना चाह रहा है, तो मैं उनसे भी ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ के किशनगढ़ में नोकल किसी से सपोर्ट ना ले। अगर वो सपोर्ट लेकर यहाँ से मटेरियल खरीदता है, तो ये मान के चलिए अगर वाइट का और वियतनाम वाइट का अगर काम है, इम्पोर्टेंट मार्बल का काम है, तो 20 से 25, 30, 50 रुपये तक का कमीशन आम बात है। तो गोदाम वाले को भी महंगा गया मटेरियल, अब गोदाम वाला भी तो आगे पैसे कमा के भेजेगा ना, 50-60 रुपये वो भी रखेगा। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि अगर कोई कस्टमर है, जो कंज्यूमर कस्टमर है, वो वहाँ के गोदाम वाले से हेल्प ना ले, वो डायरेक्ट किशनगढ़ में आए, जो रिप्यूटेड कंपनियाँ हैं, एक नहीं, दो नहीं, पाँच नहीं, 10 कंपनियों में जाकर रेटे वगैरह ट्राई करें, मटेरियल देखे, सब चीज़ें चेक करें, उसके बाद में वो चीज़ें फाइनल करें, ठीक है। और बाहर जिन्होंने राजस्थान से बाहर या किशनगढ़ से बाहर जिन्होंने गोदाम कर रखा है और उनको मटेरियल चाहिए, तो मैं उनको भी ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि किशनगढ़ के नोकल गोदाम वालों से हेल्प ना ले, पता करे अच्छा काम किनका है, कौन अच्छा मटेरियल बेचता है, किनका काम जेन्युइन है, और वो खुद जाकर मटेरियल चेक कर उसके बाद ही माल परचेज करे। और यही बात
मैं कंज्यूमर कस्टमर को भी यही बोलता हूँ कि आर्किटेक्ट मिस्त्री यहाँ के किसी नोकल गोदाम वाले या यहाँ किसी नोकल आदमी से अपनी हेल्प ना ले। अगर हेल्प लोगे तो आपको मटेरियल महंगा मिलेगा और जो माल में कमीशन खाएगा, जैसे मानो कि मैंने किसी को कमीशन दिया है, अगर मानो मैंने 275 रुपये कल कमीशन दिया है, ठीक है, तो 275 रुपये में वो अगर मैं कैसा भी माल भराऊंगा, अगर मैं कचरा माल भी भराऊंगा ना, तो अगर मैं 275 रुपये में अगर मैं कचरा माल भी भराऊंगा तो भी वो चूत तक नहीं करेंगे। वो पार्टी को यही बोलेंगे अच्छा मटेरियल है, साफ मटेरियल है, क्रेक नहीं है, ये नहीं है, क्योंकि उनको मेरी ओर से बोलना पड़ेगा क्योंकि मैंने उनको पैसा दिया है। ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरे ऊपर मान लो या किसी और के ऊपर मान लो, ये मार्केट में ऐसा होता है। आपको इन चीज़ों से बचना है और अपने विवेक से काम करना है, ठीक है। फर्स्ट बात तो हो गई ये जो अभी कल ही घटित हुई। सेकंड बात यह है कि अभी हाल ही में किसी पार्टी ने एक गोदाम से यहाँ किशनगढ़ में मकराना रोड पे ही वो गोदाम है, मैं गोदाम का नाम नहीं बताऊंगा, ठीक है। मेन अगर कोई कॉल करके मुझसे पूछेगा तो शायद मैं बता सकता हूँ फेस टू फेस, वो भी फोन पे नहीं, ठीक है। अगर जरूरत पड़े तो मैं हेल्प जरूर करूँगा। तो उसने क्या किया कि किसी गोदाम से एक तकफी फाइनल की कि भाई मुझे ये लोट मुझे चाहिए और ये लोट मैं परचेज करूँगा, ठीक है। जैसे उन्होंने लोट पसंद कर लिया, सब चीज़ें हो गई और उन्होंने 1,00,000 रुपये एडवांस दिया, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, गोदाम वालों ने, अगर दूसरा कस्टमर आया और वही लोट उनको पसंद आ रहा था और रेट ज़्यादा मिल रही थी, तो उन्होंने वो लोट सोल्ड कर दिया। वो लोट सोल्ड होने के बाद जब वापस पार्टी लोडिंग की बारी आई नेक्स्ट डे, जबकि भाई लोडिंग होनी है, तो वो गोदाम में जाकर देखते हैं तो वो लोट उनके पास अवेलेबल है ही नहीं। उन्होंने वो लोट बेच दिया और लोडिंग भी करा दी, ठीक है। जब फिर बात आई वापस, जो उन्होंने एडवांस दिया था 1,00,000 रुपये वो रिटर्न की, तो उन्होंने मना कर दिया कि भाई हमने गाड़ी बुला रखी है, सब चीज़ें करवा रखी है, अब हम आपको पेमेंट रिटर्न नहीं करेंगे। हालांकि जिन्होंने पेमेंट दिया था उन्होंने 1 नंबर का चेक दिया था, तो उनके पास प्रूफ था कि भाई हमने 1,00,000 रुपये दिया है, उनसे कोई बिलिंग वगैरह उन्होंने नहीं ली थी और उन्होंने कच्चे पेपर पे भी उनसे साइन वगैरह कुछ करवाया था, तो उनके पास एक प्रूफ था और उन्होंने किसी से सपोर्ट लिया था यहाँ से नोकल में, क्योंकि वो जाट थे और यहाँ के एक सरपंच साहब है, तो उन्होंने वहाँ से उनका सपोर्ट लेकर और उनको नोकल का यहाँ से मदद मिल गई थी, इस वजह से उनको 1,00,000 रुपये तो उन्होंने नहीं दिए, लेकिन फिर भी उन्होंने को 85,000 रुपीज़ मतलब 85,000 रुपये वापस रिटर्न मिल गए थे, लेकिन फिर भी उनका 15,000 रुपये का लॉस हुआ। मेरा मानना यह है कि वो जो गलती थी वो गोदाम वाले की थी। एक बार सौदा हो जाने के बाद चाहे उनको चाहे 100 रुपये उसके ऊपर ज़्यादा मिले या 200 रुपये मिले, उनका कोई हक नहीं है उस लोट पर कि वो उसको ज़्यादा रेट में बेच सके या कम रेट में बेच सके, ठीक है। सौदा होने के बाद में वो पार्टी का लोट रहता है, वो गलती और उन्होंने अगर गाड़ी भी बुला ली थी, सब कुछ कर लिया था, उनका खर्चा भी हो गया था, तो वो गोदाम वाले को ही भोगना चाहिए था मेरी नज़र में, क्योंकि गलती किससे हुई थी, गोदाम वाले से हुई थी। जो उनका 15,000 का लॉस हुआ वो उन्होंने पता नहीं कैसे एक्सपेक्ट कर लिया और गोदाम वाले ने उन पर जाती ही किए, मेरी नज़र में ऐसा नहीं होना चाहिए था, ठीक है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आपको इन चीज़ों से बचना है, इन चीज़ों से बचिए। 1 नंबर में पैसा दीजिए, उनसे उनकी रसीद पर उनके पेड़ पर साइन करवा करके भाई मैंने ये लोट परचेज किया है, लोट नंबर साइज वगैरह सब चीज़ें, लोट की फ़ोटो उस पर साइन वगैरह सब करिए और उसके बाद में एडवांस दीजिए, ठीक है। आपको आपका पैसा सेव करना है और फालतू में नहीं उड़ाना है। यहाँ के लोगों को जो आदत है वो दलाली की हो गई है, पता नहीं बिजनेस में इन लोगों को क्या हुआ है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि पता नहीं कैसे किस प्रकार की वो जाति करते जा रहे हैं। दिनों दिन ये बेईमानियों पर बेईमानियाँ हो रही है, किशनगढ़ बदनाम हो रहा है, बहुत सारे जो लोग जेन्युइन काम करते हैं उनको पर एक दाग लगता है, लोग डरते हैं किशनगढ़ आने से। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि सोच समझ कर और अपने विवेक से, और किसी के कहने पर आप कहीं पर भी किसी के कहने पर माल परचेज मत कीजिए, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, आप सभी का शुक्रिया।